गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं राजकुमार आपके सामने साइंस टीचर। टुडे हेयर हैप्पी इंटरनेशनल स्कूल। आज का टॉपिक है फेवर टू फैमिली, ठीक है। क्लास सिक्स का है, क्लास सिक्स लेसन थ्री, ठीक है। फेवर टू फैमिली, आपको देखना फैमिली से होता है क्या, ठीक है। आपने कपड़ा पहना होगा रेशा, फेवरेट क्या होता है, रेशा होता है, रेशा होता है। तो रेशा किस चीज़ का काम आता है, ठीक है। वो पता है कि कपड़ा बनता है रेशा से बनता है, ठीक है। कपड़ा किससे बनता है, रेशा से बनता है, ठीक है, रेशा से बनता है। अब ये देखना है, मैंने चश्मा उठाया है, फेब्रिक का क्या होता है, किस किस रूप में पाया जाता है वो, ठीक है। तो फर्स्ट कौन क्या लेंगे हम, नेचुरल फैब्रिक, ठीक है। तो फैब्रिक है क्या देख लेंगे, तो लिखा हुआ द थिन स्ट्रैंड ऑफ द थ्रेड दैट वी सी उस रेशियो क्या होता है, मोड़ना होता है, ठीक है। तो उस रेशियो को क्या करते हैं, मोड़ मोड़ के एक कपड़ा बनाते हैं, मोड़ मोड़ के एक क्या, एक धागा बनाते हैं, ठीक है। वो रेशियो से क्या करते हैं बाबू, तो उस रेशियो से हम लोग धागा बनाते हैं। तो ये लिखा हुआ है थीन, इसलिए क्या होता है, पतला होता है, क्या होता है, पतला होता है। द थीन स्टैंडर्ड फॉर द थ्रेड दिस बी द सीन, जिसको हम देख सकते हैं छोटी सी लकड़ी या छोटी सी धागा को, आर द मेड अप, ठीक है, मेड अप द स्टील, है ना, थीनर द स्ट्रॉन्ग एंड कॉल्ड द फाइबर, क्या हो गया अपना, उसको क्या बोलते हैं, रेशा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसे रेशा बोलते हैं। तब देखना कि रेशा कितने तरह के होते हैं, तो रेशा कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, कितने तरह के रेशा, रेशा आपका है ना फैब्रिक होते हैं दो कलर का, टू टाइप्स ऑफ फैब्रिक। फर्स्ट में आता है क्या, नेचुरल फैब्रिक, ठीक है, क्या आपका नेचुरल फैब्रिक, प्राकृतिक रेशा, ठीक है, क्या आपका प्राकृतिक रेशा। नेक्स्ट देखेंगे अपने का सिंथेटिक, सिंथेटिक में कृत्रिम, जो हम लोग खुद से बनाते हैं, है ना, उसका डुप्लीकेट करते हैं, ठीक है, हाथ से बनाया हुआ, ठीक है, वो क्या होता है, क्या हुआ, क्या हुआ, तो आपका हाथ से बनाया होता है, ठीक है। सिंथेटिक फिगर बेस, सिंथेटिक में क्या, कृत्रिम पदार्थ या कृत्रिम रेशा, ठीक है। अब हमको देखना है नेचुरल फिगर में क्या होता है, प्राकृतिक फिगर में क्या क्या, किससे हम लोग ऊन को प्राप्ति करते हैं, रेशम प्राप्त करते हैं, किससे कपड़ा का प्राप्ति करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखा हुआ, नेचुरल फिगर लिखा हुआ है आप, प्लांट फिगर, ठीक है, प्लांट फिगर क्या करते हैं, प्लांट पौधे से हम लोग भी रुई, है ना, रुई रेशा को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, है ना, प्लांट से हम लोग क्या, रुई और रेशा प्राप्त कर सकते हैं। लिखा हुआ आपका है, नेक्स्ट लिखा हुआ है, अब देखना है कि प्लांट में, तो प्लांट में क्या क्या है, किससे प्राप्त करेंगे, देखिए प्लांट से कॉटन प्राप्त करते हैं, ठीक है, जूट प्राप्त करते हैं, और अदर फिगर इसमें भी बहुत सारा है। प्लांट से क्या क्या प्राप्त करते हैं, कॉटन मीन्स है ना, कॉटन होता है, सूती होता है, ठीक है। कॉटन में आपने देखा होगा कि जंगल में या रुई का पौधा भी होता है, ठीक है, क्या होता है, रुई का पौधा भी होता है। जूट, जूट किससे प्राप्त होता है, तो प्लांट से प्राप्त होता है, कॉटन से प्राप्त होता है, तो प्लांट से प्राप्त होता है, एंड अदर। अब हमको देखना है एनिमल, तो एनिमल फिगर क्या कर रहा हूँ, तो एनिमल फिगर में होता है जानवर से हम लोग किस तरह से ऊन प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखा हुआ है, तो ऊन और सिल, किससे किससे मिलता है ये, ऊन और सिल किससे मिलता है, तो एनिमल से मिलता है, किससे मिलता है, तो एनिमल से मिलता है, ठीक है। अब हमको देखना है सिंथेटिक्स, तो सिंथेटिक पता है आपको दो तरह के होते हैं, किस तरह होते हैं, दो तरह के होते हैं, ठीक है। तो दो तरह के होते हैं, पॉलिएस्टर, क्या होता है, में पॉलिएस्टर होते हैं, ये होता है लाइन होता है, ठीक है, एक तरीके से अदर होता है। तो पॉलिएस्टर में होता है आपका लाइन, तो पॉलिएस्टर में होता है क्या, जिसको जलाते हैं ना, सिंथेटिक जो होता है, जिसको हम जलाते हैं तो क्या होता है, वो सिकुड़ जाता है, ठीक है, वो गल जाता है, प्लास्टिक की तरह वो क्या होता है, वो गल जाता है। लाइन में क्या होता है, वो रबर टाइप का होता है, क्या होता है, वो रबर टाइप का होता है, ठीक है, लाइन है, ठीक है, स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब हमको देखना है कि प्लांट में क्या क्या होता है, कॉटन में हम किससे प्राप्त करते हैं, तो प्लांट से करते हैं, ठीक है। जूस क्या करते हैं, जूस, तो वो भी प्लांट सब होता है, ठीक है। फिर अदर फिगर, वेदर क्या होता है, तो आपका प्लांट ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है आपका एनिमल, एनिमल फिगर होता है जानवर से प्राप्त हुए रेशा, ठीक है। जानवर से पता ना किससे होता है, कि भेड़ होगी, फिर याक हो गए, ठीक है, भेड़ या फिर क्या है, ये सब इससे हम लोग क्या, फिर रेशा भी प्राप्त कर सकते हैं इसे, ठीक है। फिर इसमें क्या, उलन और
सेल। ठीक है, आप जो ये इंट्रोडक्शन बता दिए हम क्लास सेवन का, ये है क्लास चैप्टर थ्री इंट्रोडक्शन के बता दिए किस तरह से थ्योरी में रेशा किससे किससे हमको प्राप्त होती है। ठीक है, प्राप्त करने क्या है दो विधि है। ठीक है, एक होता है नेचुरल फाइबर, ठीक है, और दूसरा सिंथेटिक्स। ठीक है, और इसी के बाद नेचुरल क्या क्या है आपका प्लांट, ठीक है, एनिमल। तो प्लांट में क्या है कॉटन, जूट और अदर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे सिंथेटिक्स में क्या होता है आपको कृत्रिम पदार्थ, कृत्रिम रेशा, तो आपका पॉलिएस्टर, लैनन और अदर। ठीक है, तो आज तक यही जाते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इससे आगे कि फीवर क्या है। ठीक है, फीवर क्या है, जूट किसे बोलते हैं, कॉटन किसको बोलते हैं, सिंथेटिक बोलते हैं, इसका डिफिनेशन देखेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अब तक लिए आप इसको रीड कीजिए, नोट डाउन कीजिए। ठीक है, लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब।